विस्फोट के कारण दो मछुआरे गंभीर रूप से घायल, भोपाल रेफर। विस्फोट की सामग्री नदी के पास कैसे पहुंची, जांच का विषय। जी हां, ग्राम उदयपुर क्षेत्र के क्योटन नदी पर दो मछुआरे विस्फोट के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 के माध्यम से स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय लाया गया। यहां पर इनका प्राथमिक उपचार किया गया, उसके उपरांत उन्हें भोपाल रेफर किया गया। विस्फोट इतना खतरनाक था कि दोनों गंभीर रूप से घायल होने के साथ साथ आगे से पूरी तरह झुलस गए। एक व्यक्ति का तो एक हाथ व पांचों उंगली समेत गायब हो गई। नदी में विस्फोट हुआ या नदी के पास विस्फोट हुआ, वा यह सामग्री नदी के पास कैसे पहुंची, यह तो जांच का विषय है। सूत्रों की माने तो नदी के पास ही उदयपुर उससे लगा हुआ है। संपूर्ण क्षेत्र में पत्थर की खदानें हैं, जिसमें अधिकांशतः अवैध रूप से ही संचालित होती हैं। इसमें विस्फोट सामग्री का उपयोग होता है। क्या यह विस्फोट उन खदानों में उपयोग किए जाने वाले विस्फोट सामग्री तो नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। सर, लकड़ी में इकट्ठी कर मछली भूंज रहे थे। हाँ, फिर एकदम फट गया। अच्छा, मछली उठा रहे थे भाई साहब, हम लकड़ी डाल रहे थे भुंजी भुंजाई, वे उठा रहे थे मछली भुंजी भुंजाई। हाँ। हम लकड़ी और इकट्ठी करके लेकर डारी, वे मछली उठा रहे थे, हमने लकड़ी डारी बस। अच्छा, तो क्या फूट गया? एकदम फट गया जाल माल हमारे, भंडारी मछली भंडारी हमने जाल से पकड़ी थी। अच्छा, तो किसने लगाया था वहाँ ये विस्फोटक चीज? जी सर, हमें नहीं मालूम। नहीं, क्या नाम है आपका? राम किशन। और कौन थी आपके साथ में? नहीं, हम दोनों भाई थे। और इनका क्या नाम है साथ में? पिंदा। अच्छा, राम प्रसाद भी कहता हम हमारे साथ पिंदा भाई पढ़ते थे। मिली थी कि दो व्यक्ति कहीं विस्फोट के बाद में घायल होने के बाद आए हैं शासकीय अस्पताल वासोदा में, तो उसमें से एक मरीज गंभीर रूप से घायल है तो उसको रेफर कर दिया है। दूसरा मरीज जो उसके साथ में था, राम किशन अहरवार तथा मोहनलाल अहरवार, उम्र 28 साल, दोनों उदयपुर निवासी हैं। तो इसने अपने बयान में बताया कि ये अपने साथ में दोस्त के साथ में पिद्दा नाम था उसका, दोनों मछली पकड़ने गए थे, तो वहाँ पे मछली सेंकने के लिए इन्होंने घास फूस वगैरह इकट्ठी की थी, लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, तो उसी में विस्फोट हो गया जिसमें एक व्यक्ति का हाथ वगैरह चला गया है और उसको रेफर कर दिया है विदेश से।